राजस्थान बेरोजगार संघ के प्रदेश डिप्टी सीएम ने अस्पताल में उपेन यादव से की मुलाकात। बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं उपेन यादव। अपनी 15 मांगों को लेकर अनशन कर रहे थे उपेन यादव। डिप्टी सीएम ने तुड़वाया उपेन यादव का अनशन। अपनी मांगों को लेकर 7 दिनों से अनशन पर बैठे थे उपेन। उपेन यादव खाना नहीं खा रहे थे, अनशन पर थे और आज मैंने उनसे मुलाकात करी है और जो मांग उन्होंने लिखी हमारे सामने, कोई लगभग 15 मांगे हैं, तो उन सभी पर हम कार्रवाई करेंगे। और मुख्य मांग तो ये है कि नौजवानों को रोजगार के अवसर हम कैसे दिला सकते हैं और नौकरियों के लिए, रोजगार के लिए, नई संभावनाएं तलाशने के लिए, और जो नौकरियां निकल चुकी हैं उसमें और लोगों को इंक्लूड कैसे कर सकते हैं, इस पर हम लेंगे राय कानून विभाग से भी, मंत्रालय से भी, और कोशिश करेंगे कि हर तरफ से लोगों को मदद की जाए। क्योंकि जिस इशू को लेकर वो बैठे हैं, जिन्होंने अनशन किया है, उसको अब हमने कहा आप इसको समाप्त करिए, क्योंकि 6-7 दिन का समय बहुत होता है और स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा था, डॉक्टर ने भी ये कहा। इसलिए आज हम प्रताप सिंह जी और मैंने उनको जूस पिला के उनका अनशन तोड़ा है, लेकिन जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, जिन बातों को उन्होंने रखा है, उस पर हम पूरी कार्रवाई करेंगे, गंभीरता से करेंगे। और जैसा प्रताप जी कह रहे थे, अंततः लक्ष्य हमारा यही है कि नौजवानों को अधिक से अधिक, राजस्थान में हमारी सरकार का, पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है कि नौजवान कैसे आगे बढ़ सके, उनको रोजगार के अवसर कैसे मिला सके। और नौकरियों के पक्ष में मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम लोग बहुत सारी नौकरियां करने वाले हैं, जो बैकलॉग है उसको हम भरना चाहते हैं, और जितना ज्यादा हो सके लोगों को अकोमोडेट कर समाज के हर तबके, हर वर्ग को लगे कि सरकार उसके लिए काम कर रही है। नौकरी, रोजगार, इस भारी आर्थिक संकट में भी आप जानते हैं अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है देश भर में, राजस्थान में यह हाल है, क्योंकि केंद्र सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि यहाँ पे रोजगार के अवसर कम मिल रहे हैं। बावजूद उसके हमारी सरकार का पूरा संकल्प है कि अधिक से अधिक नौकरियां दें, ताकि लाखों लाख जो बेरोजगार राजस्थान में आज हैं, उनको हम उनके शिक्षा और उनकी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग रोजगार दिला सकें। सर, उपेन का कहना है कि आपसे मुलाकात करते हैं सीएम से, सकारात्मक आश्वासन मिलता है, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वह नहीं। वो मैं समझ रहा हूँ उसकी बात, उन्होंने हमें भी इस बात को बोला, अगर कहीं कुछ रुकावट आ रही है, ऐसा कोई रुकावट सामने आ रही है जिसका समाधान निकल सकता है। कई तो ऐसी चीजें हैं जो कानूनी दावपेच में फंसी हुई हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर या ऑफिसर्स के लेवल पर अगर कोई दिक्कत आएगी तो उस पर हम लोग निश्चित कार्रवाई करेंगे। बात आश्वासन की नहीं, आज 7वें दिन मंचन पर है, कुछ खाना नहीं खाया 7 दिन से और स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था, तो इसलिए हमने कहा कि अनशन तोड़ दीजिए, सरकार पूरी तरह सतर्क है और आपने जिस दिशा में हमारा ध्यान आकर्षित किया है उस दिशा में हम लोग काम करेंगे।